देखिए हर नए दिन के साथ ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर कहानी बदल जा रही है, लेकिन अतिरिक्त अमेरिकी फोर्स के आने पर ग्राउंड ऑपरेशन की जो बात है उसके बाद कुछ गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं, उस पर गौर करिए जरा। पहला सवाल है, ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका का रोल क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, क्या अमेरिकी सेना इसराइल की सीधी मदद करेगी? क्योंकि अभी तक अमेरिका ने अपने शक्तिशाली युद्धपोतों की तैनाती तो की है इसराइल के लिए, लेकिन क्या सैनिक भी लड़ेंगे साथ में? तीसरा सवाल, अमेरिकी एंट्री से क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़क जाएगा? क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो आग बबूला है अमेरिका के इस इन्वॉल्वमेंट को लेकर के। तो सबसे जो अहम सवाल है वो यही कि अमेरिकी एंट्री से क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़क जाएगा। और इसी के ऊपर सवाल हम लेंगे, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तेल अवीव से हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। मनीष, अरब देशों में गुस्सा तो साफ तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि अमेरिका का इस पूरे वॉर में इन्वॉल्वमेंट इंटरेस्ट भरपूर नजर आ रहा है। अगर इस युद्ध में अमेरिकी सैनिक इसराइल की मदद करते हैं जंग में, तो क्या हम ये मानकर चले कि अमेरिका वर्सेस अरब देशों का ये युद्ध हो जाएगा? देखिए, बाइडेन के यहाँ आने के बाद तकरीबन ये बातें तो साफ हो गई थी कि अमेरिका किस तरह से इजराइल का साथ है, और इस बात को लेकर अरब देशों में नाराजगी है। लेकिन फिर अरब देश ये भी देख रहे हैं कि अभी इजराइल का हाथ किसने थाम रखा है? अमेरिका नहीं उसे रोक रखा है IDF के ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है। मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए उन तमाम दृश्यों को, वीडियो को भी दिखाना चाहूँगा जो मेरे कैमरा सहयोगी अमित आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। असली चुनौती फिलहाल अमेरिका इजराइल के सामने क्या है? असली चुनौती इजराइल के सामने है ये हॉस्टेज, ये जो लिखा हुआ हॉस्टेज आप देख रहे हैं, जिसे लेकर अमेरिका भी कह रहा है, जिसे लेकर यूरोपीय देश भी कह रहे हैं। एक के बाद एक तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं वो तमाम राष्ट्राध्यक्ष यही बात कह रहे हैं। वो सार्वजनिक तौर पर दिखा रहे हैं कि मैं इजराइल के साथ हूँ, लेकिन वो आकर यही कह रहे हैं कि अभी इस युद्ध के स्केल को मत बढ़ने दीजिए, क्योंकि एक बार जैसे ही ये अरब और इजराइल का वॉर हुआ तो फिर पश्चिमी देशों को इस जंग में कूदना होगा, फिर अमेरिकन ट्रूप्स को भी यहाँ पर चाहे हमास से, हिजबुल्ला से या दूसरे और संगठनों से लोहा लेना पड़ेगा, जिसके लिए अभी ना अमेरिका तैयार है ना यूरोप के देश तैयार हैं, और इसीलिए उन लोगों ने हाथ बांध रखे हैं। अब आप देखिए, तेल अवीव में जिस जगह पर हम मौजूद हैं, तेल अवीव में ये तमाम वो लोग हैं जिनके परिवार अभी फिलहाल हमास के कब्जे में हैं। इनका कहना है कि हमें नहीं पता है कि उनकी क्या स्थिति है, क्या उन्हें खाना पीना मिल रहा है कि नहीं, अगर वो घायल है तो उन्हें इलाज मिल रहा है कि नहीं, उन्हें कपड़े हैं कि नहीं। आखिर वो इतने दिन हो गए, 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो गया, वो अभी तक नहीं आए। बात केवल ये मानवीय संकट केवल इसके रूप में नहीं है, बल्कि ये है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो फिर वैसी स्थिति में ज़्यादा संभावना है कि इन हॉस्टेज के जीवन को भी खतरा, हालांकि एयर स्ट्राइक में भी यही हो रहा है। इसीलिए इसराइल में यहाँ पर जब रक्षा मंत्रालय के ठीक सामने लगातार 2400 घंटा बैठे हुए ये लोग अपनी सरकार को कह रहे हैं कि पहले बंधकों को लेकर आओ, और अगर बंधकों को लाना प्राथमिकता है तो आपको अपना स्ट्राइक रोकना पड़ेगा, अपना ग्राउंड ऑपरेशन रोकना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा डायलेमा फिलहाल इजराइल और उनकी सरकार। बिल्कुल मनीष, और जो आप कह रहे हैं यही शर्त हमास ने भी रखी है इसराइल के सामने कि जब तक गाजा पर हमले नहीं रोके जाएंगे तब तक बंधकों को हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया मनीष।